नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करें इंडिया मार्ट स्टॉक के बारे में, और इसके पीछे बात करने का रीजन ये है क्योंकि स्टॉक में कल भी आपने एक बहुत ही अच्छी तेजी देखी और आज भी स्टॉक में आपको 5% से ऊपर की तेजी अभी भी देखने को मिल रही है क्योंकि स्टॉक कर रहा है बाउंस बैक। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 4000 के लेवल से इसने 4300-400 के लेवल तक काफी ज्यादा समय लगाया, काफी दिन आपको परेशान किया, लेकिन वहां से इसमें बहुत शानदार तेजी निकल के आई है सामने, जो कि आप यहां पर लास्ट अगर 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक में आपको अभी 16-17% की तेजी देखने को मिली है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और इसके बाद अब ये तेजी आई क्यों है, तो अगर आप देखेंगे तो इनका जो एक्विजिशन इन्होंने कई कंपनियों का किया भी था, जिसमें से एक का अपडेट अभी हाल फिलहाल में आपको मिला है, और उसके बाद स्टॉक में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। वैसे अगर बात करें अपने 52 वीक से, और वहीं आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गिरावट अभी भी स्टॉक में बनी हुई है। 9,700 रुपए का जो इसका 52 वीक हाई है, वहां से स्टॉक अभी भी आपको 50% डिस्काउंट में देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम यहां पर शॉर्ट टर्म की बात करें, इस स्टॉक का टारगेट 5,500 रुपए का टारगेट अभी आपको आने वाले एक वीक के अंदर देखने को मिल सकता है यहां पर इंडिया मार्ट स्टॉक के अंदर। लेकिन यहां पर अगर आप एक चीज और देखें, अगर इस बार आप इसके अगर फाइनेंशियल कंडीशन को देखेंगे तो इससे पहले ये स्टॉक थोड़ा सा ओवरवैल्यूड दिखाई देता था, जिसकी वजह से आपको यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। अगर आप रिजल्ट वाइज देखें तो यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं सितंबर का रिजल्ट और दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट था, इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं। उसके बावजूद भी आपको यहां पर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, कई सारी ऐसी चीजें हुई जिसके बाद आपको यहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी स्टॉक कमबैक कर रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इंडिया मार्ट स्टॉक की अगर बात करें तो ये फ्यूचर का स्टॉक है, अगर आप इसको अभी बहुत जल्दी जज करेंगे तो आप थोड़ा सा यहां पर जल्दी कह सकते हैं कि आप इसमें अपना फैसला जल्दी ले रहे हैं, आपको थोड़ा वेट यहां पर जरूर करना चाहिए होगा। और जिन्होंने इस स्टॉक को 4,200-4,300 के लेवल पर खरीदा है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी आपसे कहा था 4,300 रुपए के लेवल के करीब कि आप यहां पर अपना एवरेज भी कर सकते हैं, और अगर आप खरीदना चाहें तो 4,000 के लेवल पर खरीद भी सकते हैं इस स्टॉक को, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर आपको यहां पर तेजी तो मिलनी ही मिलनी है। मार्केट में रिकवरी भी, स्टॉक में रिकवरी भी, ये सब कुछ यहां पर हमें देखने को मिला, और इसीलिए इंडिया मार्ट स्टॉक इस समय आपके लिए अच्छी और मजबूत पकड़ के साथ दिखाई देता है। आप देखेंगे यहां पर आज के दिन में काफी ज्यादा यहां पर वॉल्यूम आया था मॉर्निंग के सेशन में, उसके बाद यहां पर बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं आया, लेकिन मॉर्निंग के सेशन में काफी बड़ा वॉल्यूम यहां पर हमें देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई, लेकिन ओवरऑल स्टॉक अभी भी एक अच्छी पोजीशन में दिखाई दे जाता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है इंडिया मार्ट स्टॉक के बारे में। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बाकी इंडिया मार्ट स्टॉक को आप होल्ड जरूर कीजिएगा दोस्तों।